क्वेश्चन नंबर जो 5 है बेटा, ये भी एक्सरसाइज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द ट्रांसपोज, ट्रांसपोज फाइंड करना है किन का, ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ये जो नीचे मैट्रिक्स दिए हुए हैं इनका ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज के वर्ड से आपने थोड़ा सा एक आइडिया करना है, जैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ, गाड़ियाँ क्या करती हैं, सवारियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। तो इस तरह यहाँ पे भी हमने इनकी एंट्रीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, वो कहाँ ले जाना है, आइए इसको पेज के ऊपर सॉल्व करके बताता हूँ। तो जब भी बेटा ट्रांसपोज करना है तो जिस मैटर्स का भी करना है, जैसे ये ए है, ए लिख के ए के ऊपर ये टी लिख दिया छोटा सा, इसका मतलब हो गया ये उसका ट्रांसपोज है ये। अब देखें ट्रांसपोज होता क्या है, कॉलम्स को, ये कॉलम है ना, कॉलम्स को रो में बदल देना। ये इसका पहला कॉलम है, एक ही कॉलम है ना, इसको पहला इसका बना देंगे, रो बना देंगे, जैसे 0 1 -2, 0 1 -2। अब देखें ये इसका कॉलम था, हमने इसको रो में बदल दिया, बाकी एंट्री सारी वही है, कोई मल्टीप्लाई नहीं, कोई डिवीजन नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, सिंपल बस ऊपर से देख के ही। तो चाहे इसके कॉलम को रो में बदल दें या रो को कॉलम में बदल दें, एक ही बात है। जैसे देखें ये इसका पहला रो है, पहली रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम, तीसरी रो का तीसरा कॉलम, ये एक ही बात है, चाहे हम रो को कॉलम में बदल दें या कॉलम्स को रो में बदल दें, तो ये एक ही बात होती है, इसको बोलते हैं उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब देखें ये बी ट्रांसपोज, ये इसका एक ही रो है, एक ही रो को हम कॉलम में बदल देंगे, 5 1 -6, कोई साइन चेंज नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ उनकी जगह चेंज कर देनी है। इस रो को पहले ही रो था, इसको पहला कॉलम बना दिया, अगली रो है ही नहीं जो अगला कॉलम बनाए हम। अब नेक्स्ट में देखें, जाके सी मैट्रिक्स में देखते हैं, सी ट्रांसपोज। अब देखें पहली जो रो है उसको पहला कॉलम बना देंगे, ऐसे ना, पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, और जो इसकी तीसरी रो है तो उसको तीसरा कॉलम, ठीक हो गया। जिस तरह से भी आपको समझ आए, पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को तीसरा कॉलम। तो ये ऐसे भी कह सकते हैं हम के ये पहला कॉलम था इसकी पहली रो बना दी, जो दूसरा कॉलम था उसकी दूसरी रो बना दी, यानी रो को कॉलम में बदलना या कॉलम्स को रो में बदलना एक ही बात होती है, जिसको ट्रांसपोज कहते हैं। अब आ जाए डी में, डी ट्रांसपोज, इसमें पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया, ये हो गया इसका डी ट्रांसपोज। अब ई पे आ जाए, ई का ट्रांसपोज, पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम में ट्रांसफर कर दिया, यानी वही हम इसकी जो वैल्यू उठा के कॉलम की शक्ल में लिख दी, तो ये ट्रांसपोज बन गया। अब एफ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, पहले कॉलम को पहली रो को पहला कॉलम, ये पहली रो पहले कॉलम में आ गया, अब दूसरी रो इसकी जो है ये दूसरे कॉलम की जगह पे आ गई, तो ये बेटा इसका ट्रांसपोज बन चुका है। यही इसका तरीका है, चाहे इसके एलिमेंट एंट्री जितनी मर्जी हों, तो इसका होता यही है कि रो को कॉलम में चेंज करना या कॉलम्स को रो में चेंज करना उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है।